मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब स्पीकर साहब, बड़ा अच्छा माहौल है, खुदा नज़र बद से बचाए। यहाँ बातें हुई मेरे बड़े अच्छे दोस्तों ने, यकीनन उन्होंने ईमानदारी से ये बातें की, लेकिन उन वो जिस अंदाज में हुई वो ठीक नहीं थी कि जी फलाने आदमी ने इखलाकियात से बढ़कर फलाना किया, बिल्कुल हाईली कंडमेबल। खुदा न खास्ता अगर इसी भी वो बुरी बातें करता, उसका रिएक्शन ये नहीं होता कि आप आके पार्लियामेंट पे हमला करें। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे यहाँ था, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड। अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी, आपके खिलाफ की थी, हमारे खिलाफ की थी, अखलाकियात से गुजर गया था, 8 घंटे वो यहाँ था, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार करते थे उसको। लेकिन उसको बहाना बना के पार्लियामेंट में हमलावर होना, जनाब स्पीकर ये नाकाबिल कबूल है। 10 आदमी भी अगर मर जाते, अगर वहाँ 20 आदमी भी मर जाते, उसको जवाब बना के निकापोश लोग पार्लियामेंट पे हमलावर हो, जनाब स्पीकर इट इज हाईली कंडमेबल, किसी सूरत नहीं। आप मुस्लिम लीग के मेंबर हैं जनाब स्पीकर, मैं अपनी तरफ से इनसे मैंने नहीं पूछा, अपोजिशन के तमाम मेंबरान की तरफ से हलफन आपको हम वादा देते हैं, हलफन वादा देते हैं आइन की बालादस्ती के लिए, इस पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने के लिए, पाकिस्तान हर इदारे को आइन के दायरे में ले जाने के लिए, जिस हद तक आप जाएंगे हम आपके साथ हैं, 100% आपके साथ हैं, किसी भी कुर्बानी के खिलाफ हम पीछे नहीं हटेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं शुक्रगुजार हूँ।